हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट्स के ऊपर। मैं हूं डॉक्टर राकेश चौरे और आज हम आपको बताने वाले हैं फ्रेंकल डिफेक्ट्स की थर्मोडायनामिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होगा? तो फ्रेंकल डिफेक्ट का मतलब ऐसा डिफेक्ट जिसमें छोटा आयन अपनी जगह से इंटरस्टीशियल स्टेज में चला जाएगा। छोटा आयन कौन सा होगा? तो देखिए, कोई भी क्रिस्टल बना है दो आयनों से, केटायन और एनायन से। केटायन का साइज हमेशा एनायन के साइज से छोटा होगा। इसका मतलब केटायन जो रहेगा वो इंटरस्टीशियल साइट में मूव करेगा जाएगा। तो फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट में यही डिफरेंस है कि फ्रेंकल में केवल एक आयन जो होता है, यानी जो छोटा आयन होता है, वो मूव करके इंटरस्टीशियल साइट में जाता है, जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट्स में केटायन और एनायन दोनों बराबरी से अपना अपनी साइट छोड़ते हैं। वो इंटरस्टीशियल साइट में नहीं जाते, वो अपनी साइट छोड़ ही देते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। वो शॉर्टकी डिफेक्ट है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको शॉर्टकी डिफेक्ट की थर्मोडायनामिक्स समझाई थी। अब हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट्स। तो इसके लिए हमने एग्जांपल लिया हुआ है AgCl का। AgCl का जो मॉलिक्यूल होता है, छोटा मॉलिक्यूल होता है, और इसका क्रिस्टल लैटिस जब हम देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है। इसमें Ag जो है वो ब्लू कलर के डॉट जो दिखाई दे रहे हैं वो Ag है, और ग्रीन कलर के जो दिखाई दे रहे हैं वो Cl है। तो AgCl इस तरह से हमने दिखाया, और बीच में ये जो साइट्स दिखाई दे रही हैं, बीच की ये जो साइट्स हैं ये कहलाती है इंटरस्टीशियल साइट्स। आप देख सकते हैं ये 3D स्ट्रक्चर है लैटिस का। तो ये जो सारी साइट्स हैं कहलाती है इंटरस्टीशियल साइट्स, ठीक है। तो ये सारे जो क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स हैं, जो आयन्स हैं, वो अरेंज हैं अपनी अपनी जगह पर। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से कोई Ag प्लस आयन निकल के इंटरस्टीशियल साइट में चला जाए, तब क्या कंडीशन होगी? तो इसी की थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ रहे हैं। इसी को हमको देखना है कि क्या सिचुएशन होती है जब कोई सिल्वर का केटायन, सिल्वर क्लोराइड के क्रिस्टल में सिल्वर का जो केटायन है वो जब इंटरस्टीशियल साइट में चला जाता है तो क्या थर्मोडायनामिक्स में चेंज आता है, ये देखना पड़ेगा। थर्मोडायनामिक्स यानी डेल जी, यानी फ्री एनर्जी में क्या चेंज आता है। तो इसके लिए हमको फ्रेंकल इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा AgCl के लिए। तो फ्रेंकल इक्विलिब्रियम अपना क्या हो जाएगा? Ag प्लस आयन, क्योंकि इस लैटिस के अंदर Ag सिल्वर के और क्लोराइड दोनों के आयन्स हैं, पर क्योंकि क्लोराइड के आयन्स में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, तो हमको मेनली बात करना है सिल्वर के आयन, क्योंकि सिल्वर का ही आयन जो होगा, यानी केटायन जो होगा, वो इंटरस्टीशियल साइट में जाएगा। तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द Ag प्लस आयन। तो Ag प्लस आयन की अगर हमको इक्विलिब्रियम जब देखना है AgCl के लिए, तब Ag प्लस आयन प्लस Vi इन इक्विलिब्रियम Vag प्लस Ag प्लस I। तो पहले तो ये Ag प्लस और Vi क्या है ये समझ लेते हैं। तो Ag प्लस क्या है? ये Ag प्लस जो ये पूरा जो क्रिस्टल, ये जो पूरा लैटिस है, इसमें जितने सिल्वर के केटायन्स है वो सारे Ag प्लस आयन हो जाएंगे। V का मतलब होता है वैकेंसी, I का मतलब इंटरस्टीशियल स्टेट, यानी ये जितनी इंटरस्टीशियल स्टेट दिख रही है, जितना जो भी एरिया दिख रहा है ये कैसा है? वैकेंट है। तो ये कहलाएगा Vi, पूरा का पूरा एरिया जो है जहाँ पे अभी तक किसी इलेक्ट्रॉन ने जगह ऑक्यूपाई नहीं कि ये जितना खाली है ये सब क्या कहलाएगा? ये सब कहलाएगा वेकेंट इंटरस्टीशियल साइट। ओके,
तो ये सारा क्या कहलाएगा, वेकेंट इंटरस्टिशियल साइड। फिर है एजी प्लस आई। एजी प्लस आई का मतलब इंटरस्टिशियल साइड में एजी प्लस आयन का मूव करना। अब हमने बोला कि यहां से ये एजी प्लस आयन इस इंटरस्टिशियल साइड में आ जाएगा, तो जैसे ये यहाँ पे आएगा तो ये जो जगह है ये यहाँ वैकेंसी हो जाएगी, ये वैकेंट जगह हो जाएगी, साइड की जो जगह है ये वैकेंट हो जाएगी, और यहाँ जो वैकेंसी थी इंटरस्टिशियल साइड पे, सॉरी, और यहाँ जो वैकेंसी थी इंटरस्टिशियल साइड पे, वो वैकेंसी क्या हो रही है, वो फुलफिल हो जा रही है, इस जगह पे केटायन आ जा रहा है, एजी प्लस आयन आ जा रहा है। तो इस तरह से एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन हम लिखेंगे, और रिएक्शन हमारी क्या होगी, और रिएक्शन हमारी होगी कि Ag प्लस प्लस वी आई इज इन इक्विलिब्रियम वी Ag प्लस आई। ओके, तो ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे चलते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जरा रिमाइंड करें, जरा सोचें इसके बारे में। सोच लिया, गुड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहले आपको किस क्या लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपका, ये है आपका प्रोडक्ट, इसकी कंसंट्रेशन लेना है। तो ये हो गई आपकी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आप देख सकते हो के इज इक्वल टू वी ए जी प्लस ए जी प्लस आई इज डिवाइडेड बाय ए जी प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वी आई। तब अब ये एक इक्वेशन हमको मिल गई जो हमने इस रिएक्शन के थ्रू प्राप्त की, कि जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का उपयोग किया। अब यहाँ पे आपको जान लेना जरूरी है कि वी ए जी जो होगा वो इक्वल होगा ए जी प्लस आई के, जो इक्वल होगा एन के, स्मॉल एन के। देखिए स्मॉल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ केटायंस। ओके, तो अब नंबर ऑफ केटायंस क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ जो केटायंस हैं ये क्या हो रहे हैं, ये अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पे आ रहा है, और इसी वजह से यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। अगर ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे तो वैकेंसी नहीं आएगी। वी ए जी का मतलब क्या है, वी ए जी का मतलब है वैकेंसी ऑफ सिल्वर। ओके, ए जी प्लस आई का मतलब क्या है कि एक जो सिल्वर का जो केटायन है वो इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया, तो जब वैकेंसी बनेगी, वैकेंसी कब बनेगी, जब वो इंटरस्टिशियल साइड पे जाएगा, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो नंबर ऐसे कितने केटायन जा रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वो एन कहलाएगा, उसको स्मॉल एन से शो करेंगे। तो यहाँ इन दोनों का जो है वो n से शो कर सकते हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी n रख सकते हैं और इसकी वैल्यू भी n रख सकते हैं। अगला जो Ag प्लस आयन है, अब क्या है इसमें, बाकी के तो Ag प्लस आयन अपनी अपनी जगह पे हैं, वो कहीं नहीं मूव कर रहे हैं, वो एज इट इज हैं। तो इनको हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइट अवेलेबल। अब लैटिस साइट पर ये सारे क्या कहलाते हैं, लैटिस साइट, अंदर वाला क्या है, इंटरस्टिशियल साइट, ये जहाँ पे आयंस आपको मिलेंगे क्रिस्टल के अंदर, जहाँ अरेंज्ड होंगे लैटिस में, उनको बोलेंगे लैटिस साइट। तो लैटिस साइट पर क्या है, आयंस तो अरेंज है अपने जगह पे है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, बस केटायन एक जो है वो मूव कर गया है। तो कैपिटल एन का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइट अवेलेबल, यानी टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइट, इसमें केटायन एंड आयंस सभी आ जाएंगे। n माइनस एन का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए जी प्लस आयन दैट इज स्टिल प्रेजेंट इन लैटिस। अब यहाँ पे क्योंकि एक एक केटायन तो इंटरस्टिशियल साइट में चला गया, पर बाकी कितने केटायन अभी भी लैटिस साइट पर अवेलेबल है, यानी लैटिस में अभी भी प्रेजेंट है, इसको हम शो करेंगे n माइनस एन से। ठीक है, तो इस तरह से
इन टर्म्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो टर्म्स हम आपको बता रहे हैं कि कैपिटल एन क्या है, स्मॉल एन क्या है, ये सारी टर्म्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एन माइनस एन क्या है, ठीक है। ओके, तो अब वी आई के लिए एक अलग से हमको फॉर्मूला लेना पड़ेगा कि वी और आई जो है ये डिफरेंट चीज हो गया है। वी आई का मतलब वैकेंसी इन इंटरस्टीशियल साइट, इंटरस्टीशियल साइट पर वैकेंसी क्या है। तो इंटरस्टीशियल साइट पर वैकेंसी को दिखाने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, और ये फॉर्मूला होता है वी आई इज इक्वल्स टू एक्स एन, जहां एक्स एक कॉन्स्टेंट होता है और एक अलग अलग क्रिस्टल के लिए अलग अलग होता है। जैसे अभी हमारे पास क्रिस्टल है AgCl, तो AgCl एक स्मॉल क्रिस्टल होता है, और AgCl में आपको दिख रहे हैं सिर्फ कितने, दो एटम, एक सिल्वर का एटम है और एक क्लोरीन का, यानी इसमें कितने दिख रहे हैं एटम, दो ही एटम है। इसका मतलब x की वैल्यू हो जाएगी 2। कैपिटल N क्या है ये आप जानते हो, टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइट अवेलेबल, यानी लैटिस के अंदर टोटल नंबर ऑफ साइट अगर आप काउंट करें तो ये पूरे लैटिस के अंदर क्लोरीन और सिल्वर मिला के कितनी साइट्स हो रही हैं अवेलेबल आप काउंट कर सकते हैं, यानी एन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वी आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स एन। तो अगर यहाँ पे हमको वैल्यू देनी होती वी आई की, तो हम क्या देते थे, वी आई इज इक्वल टू 2n, क्योंकि ए जी सी एल के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब हमने ये जो हमारा इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन हमने तैयार की थी, जो कि हमने इस रिएक्शन के थ्रू लाई थी, इस रिएक्शन के थ्रू जो हमारी इक्वेशन आई थी, इस इक्वेशन में हमने जो वैल्यूज है वो पुट कर दी, यानी वी ए जी की वैल्यू n, कंसंट्रेशन ऑफ ए जी प्लस आई की वैल्यू भी n, डिवाइडेड बाय ए जी प्लस की वैल्यू n माइनस n, एक्स एन वी आई की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ वी आई की वैल्यू एक्स एन। तो इसको ध्यान रखना है ये एक्स एन है, मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं, अब इनको हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों एन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एन स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा के इज इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस एन एक्स एन। अब हम जानते हैं कि एन माइनस एन इज इक्वल टू कैपिटल एन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो स्मॉल एन है वो क्या होता है, उसको हम बहुत छोटा मानते हैं, उसको हम बहुत नगण्य मान लेते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, स्मॉल एन की वैल्यू बहुत कम होती है, इसीलिए हम इसको नगण्य मान सकते हैं। तब ऐसी सिचुएशन में अगर हम एन माइनस एन करें तो एन की वैल्यू नगण्य का मतलब जीरो हो गए, तो एन माइनस जीरो इज इक्वल टू एन हो जाएगा। तो एन माइनस एन को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, के इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एन एक्स एन। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, k is equals to n square upon x n का square, ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ पे। ओके, अब इसको और आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं इसके अंदर, तो n square is equals to हो जाएगा k x n square, ओके, फिर n इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के एक्स एन का स्क्वायर, सबका रूट हो जाएगा ये, क्योंकि n स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया, तो रूट के एक्स एन स्क्वायर हो गया। इसको और फर्दर हमने कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू रूट के रूट एक्स एन, क्योंकि n का स्क्वायर था तो उसमें रूट कैंसिल हो गए, तो अब बचा n इज इक्वल टू रूट के रूट एक्स एन। ये हमारी हो गई इक्वेशन वन। अब इसको हमको ध्यान रखना है कि ये हमारी इक्वेशन वन हो गई, क्या, एन इज इक्वल टू रूट के रूट एक्स रूट एन। ओके, अब आगे चलते हैं, हम जानते हैं फ्री एनर्जी के टर्म्स में डेल जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के होता है, लॉग के इज इक्वल टू हम इसको आगे कर सकते हैं, लॉग के इज इक्वल टू डेल जी अपॉन आर टी माइनस आर टी। लॉग को जब हम हटाएंगे के से तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस डेल जी अपॉन आर टी,
फिर हम जानते हैं कि डेल जी इज इक्वल्स टू होता है डेल एच माइनस टी डेल एस गिव फ्री एनर्जी, डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तब एक के की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे डेल जी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जहाँ से हमने इक्वेशन के में के इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल जी वन आर टी वाला जो हमारा ये इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में डेल जी की वैल्यू हम यहाँ से डेल जी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हो जाएगा के इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल एच माइनस टी डेल एस डिवाइड बाय आर टी। ये इक्वेशन बन गई हमारी, आप इसको साथ में नोट डाउन करते जाएं, समझते जाएं, नोट डाउन करते जाएं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा बैकवर्ड लेके जाएं वीडियो को और उस चीज़ को देख के समझ लें, क्योंकि जब आखिरी में आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप उसको देखते रहें और उसको समझते रहें और उसको नोट डाउन करते रहें तो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो डेल जी की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे डेल एच माइनस टी डेल एस, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ, तो माइनस डेल एच माइनस टी डेल एस, तो माइनस यहाँ पे अंदर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल एच अपॉन आर टी एक्सपोनेंशियल टी डेल एस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो टी डेल एस हो गया और माइनस यहाँ आ गया तो डेल एच माइनस हो गया। तो इस तरह से इक्वेशन मिल गई, के इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल एच अपॉन आर टी एक्सपोनेंशियल टी डेल एस अपॉन आर टी। ये इक्वेशन हमको मिल चुकी है, के इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल एच अपॉन आर टी एक्सपोनेंशियल टी डेल एस अपॉन आर टी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो टी है ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टी इस टी से हो जाएगा कैंसिल, तो अब जो इक्वेशन है हमारी क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये k इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल एच अपॉन आर टी एक्सपोनेंशियल डेल एस अपॉन आर, जहां पे एक्सपोनेंशियल डेल एस अपॉन आर क्या है, जहां पे एक्सपोनेंशियल डेल एस अपॉन आर एक कांस्टेंट है, तो ये हो गया कांस्टेंट। अब इक्वेशन हमारी हो गई k इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल डेल एच अपॉन आर टी एक्सपोनेंशियल माइनस डेल एच अपॉन आर टी, ये होगा इक्वेशन टू। अब ये जो इक्वेशन टू में के की वैल्यू आ गई है इसको हम इक्वेशन वन में रख देंगे, के की वैल्यू जो कि इक्वेशन टू में हमको मिली है वो हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन हमारा क्या था, एन इज इक्वल टू रूट के रूट एक्स एन, तो ये वैल्यू पुट कर दी एन की, कॉन्स्टेंट एक्सपोनेंशियल माइनस डेल एच अपॉन आर टी, क्योंकि रूट था तो रूट को हटाने के लिए हमने 1/2 को की पावर इसमें डाल दी, रूट एक्स एन। ये इक्वेशन बन गई हमारी, इसको और फर्दर कैलकुलेट किया आपने तो एन इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल डेल एच माइनस डेल एच अपॉन आर टी टू द पावर 1/2 कॉन्स्टेंट टू द पावर 1/2 रूट एक्स एन। ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इस इक्वेशन को हमने क्या किया, जो 1/2 की पावर थी उसको हमने सॉल्व कर लिया, तो कांस्टेंट में 1/2 की पावर जो है, इस कांस्टेंट में अगर 1/2 की पावर भी रखेंगे तो वो कांस्टेंट ही होगा, तो इसका मतलब ही तो कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ 1/2 की पावर को जब कैलकुलेट करेंगे तो जो 2 है वो नीचे आर टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से ये इक्वेशन जो है ये हो जाएगी एन इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल एच अपॉन 2 आर टी कॉन्स्टेंट रूट एक्स एन। और ये इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, रीअरेंज। इसको जब आप रीअरेंज कर देते हैं तो इसकी जो वैल्यू है, यानी जो फाइनल थर्मोडायनामिक इक्वेशन जो है फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए, वो आ जाती है
एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन रूट एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस डेल एच अपॉन टू आर टी कॉन्स्टेंट। तो यही इक्वेशन कहलाती है थर्मोडायनामिक ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।